हेलो रोहिन, चलो मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कहाँ मोमेंटम करेगा, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ, मैं एक सलून में बैठा हूँ और वहीं से शूट करके आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ। अब सबको पता है, घूम रहा हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर मैं सामने आ जाऊंगा, उसके बाद एडमिशन वगैरह सबको शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप सबके बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे मुझे, तो उसके लिए 2 दिन के बस टाइम दीजिए। उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा मेरे प्लेसेस पे और ट्रैवलिंग भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉइज आएगा, प्लीज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिले, तो उसके लिए थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा मेरे लिए। तो चीजों का अभी देखने के लिए ट्राई करते हैं। एक बार पहले हम क्या करेंगे, वीकली एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वीकली एनालिसिस हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाएगा इसके टाइम पे, क्योंकि हम वीक के एंड में मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल्स में देखना ज्यादा जरूरी बनने वाला है। तो चीजों को देखते थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्शन दे सकता है और क्या चीजों के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। चलो अभी देखते हैं, एक बार डेली चार्ट को देखते हैं, डेली चार्ट पर मार्केट में क्या बन रहा है। पहली बार अगर मैं आपको डेली चार्ट यहाँ पर बता दूं, तो डेली चार्ट पे यहाँ पर आप देखोगे तो 2 कैंडल एक साथ बनी है, मतलब एक कैंडल के अंदर एक दूसरी कैंडल बनी है, जिसको हम इनसाइड कैंडल ज्यादातर केसेस में बोलते रहते हैं। और एक इनसाइड कैंडल किस तरीके से रिएक्शन देती है और किस तरीके से देखते हैं, उन चीजों को देखने का ट्राई करते हैं। तो इनसाइड कैंडल क्या कर रही है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके अंदर एक कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर अभी मार्केट में एक होल्ड बना है, मतलब पहले मार्केट नीचे आया, उसके अंदर एक कैंडल बनी, मतलब यहाँ पर एक होल्ड बन चुका है। तो अभी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे करने की कोशिश ज्यादातर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही वही है और मार्केट को जाना भी उसी डायरेक्शन में, व्हाट एवर एनी केसेस में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है तो और भी अच्छी बात है, हमें ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर इजिली मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मार्केट को देखा जाए तो यहाँ पर आप देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ से देखो 4-5 बार मार्केट ने कोशिश किया था, एक बार मार्केट नीचे ओपन हुआ था लेकिन सडनली वापस ऊपर आए थे, मतलब कहीं ना कहीं नीचे के साइड में कहीं पर भी मार्केट के पास सपोर्ट से, बहुत सारे मार्केट के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहे हैं। तो अभी हम कहां पर मोमेंटम करेंगे, कैसे मोमेंटम करेंगे, चलो शॉर्ट पीरियड में चल के देखते हैं। पहले एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, फिर हम चलते हैं उसी साइड को देखने के लिए चलेंगे। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी चार्ट बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो पिछले टाइम पे हम एक ही जगह पर बार 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 आ रहे थे, यहाँ पर भी हम आ गए, तो कहीं ना कहीं बहुत बार एक जगह पर आ चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद मार्केट ने 2 बार कोशिश किया, आज पहली बार यहाँ से कोशिश किया हम ऊपर जाने का, हम जा नहीं पाए, फेल कर गए। दूसरी बार हमने कोशिश किया, हम जा नहीं पाए, नीचे की साइड में क्लोज कर पाए, मतलब 2 बार ऑलरेडी हम कोशिश कर चुके। इसका मतलब कि अभी यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग देखने के लिए, इट इज हाईली पॉसिबल कि सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग का लेवल ढूंढना पड़ेगा, सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने पड़ेंगे, उस सारे पॉइंट्स को एक बार ऑब्जर्व करते फिर डिसाइड करेंगे। बाजू में बहुत शोर आने वाला है तो प्लीज उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला। ओके, चलो अभी देखते हैं मार्केट को किस तरीके से शॉर्टर पीरियड में देखने की कोशिश करेंगे, हम किस तरीके से मोमेंटम करेगा और क्या क्या चीजें कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं तो मार्केट ने क्या क्या कोशिश की, एक बार देखते हैं डिटेल्स में। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट में पहली बार कोशिश हुआ अपसाइड मोमेंटम करेगा, फिर मार्केट ने यहाँ पर दूसरी बार वापस एक बार कोशिश हुआ, यहाँ से वापस एक बार कोशिश हुआ लेकिन मार्केट जा नहीं पाया, देन में वापस क्लोज कर गया। तीसरी बार मार्केट ने क्या किया, तीसरी बार मार्केट ने यहाँ पर इसी रेंज के अंदर अंदर पूरा दिन यहाँ पर टाइम पास कर लिया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया है, मतलब यहाँ से भी मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम करने का कोशिश किया लेकिन यहाँ से सेलिंग भी आया, तो इन दोनों के वोलेटिलिटी के बीच में मार्केट बहुत बार यहाँ पर कोशिश कर चुका और इसी रेंज के अंदर अंदर यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि क्या मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा या फिर मार्केट इसके नीचे चला जाता है, वो चीजों को देखने का कोशिश करना है। अभी जहां से मार्केट में बार बार कंटिन्यू से देखोगे तो यहाँ पर बार बार हिट करने का कोशिश कर, यही पर मार्केट में रहा है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट बस इसी रेंज के अंदर अंदर ओपन हो जाए, तभी हमें एक अच्छा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि क्या हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर अभी मार्केट में क्लोजिंग, जिस तरीके से मार्केट में यहाँ पर होल्डिंग हुआ है, अगर मार्केट फ्लैट इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, मतलब इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है और यहीं पर ओपन होने के बाद अगर एक कंटिन्यूशन में नीचे चला जाता है, तो हम उसको सेलिंग करने के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ही निगेटिव चल रहा है और उसी फ्लो के साथ हम मार्केट को सेल करने का कोशिश करेंगे और पॉसिबिलिटी की उसी साथ में हम नीचे भी चल जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर गलती से भी मार्केट कहीं पर भी ये लेवल के आसपास ओपन हो जाता है ना, तो मार्केट नॉर्मली यहाँ पर भी ओपन होने के बाद भले ही नीचे आ जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में मार्केट 12-12:30 बजे तक कहीं पर भी मोमेंटम नहीं कर पाएगा और मार्केट इसी रेंज में अंदर अंदर रहने की कोशिश करेगा और फिर हमें यही रेंज देखने के लिए मिलेगा। और 12:30 बजे के बाद क्या पता मार्केट पहले यहाँ से ओपन हो, फिर पहले नीचे आ जाए और फिर यही पर आकर टाइम पास करे, यहाँ पर होल्ड करे और फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करे, इस तरीके से हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी यहाँ पर हरियाणा के साइड में हूँ, हरियाणा के साइड में तो मैं यहाँ पर सलून में बैठकर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा नॉइज एंड सब कुछ आने वाला है, तो प्लीज एडजस्ट करके रहना। 2 दिन के बाद मैं 2-3 दिन के बाद मैं मेरे सेटअप के सामने पहुंच जाऊंगा, तो उसके बाद हम एंजॉय करेंगे सारी चीजें बड़े स्क्रीन के साथ शूट करने की। लेकिन मैं जितना भी बाहर हूँ, मैंने एक दिन भी आपको एनालिसिस नहीं छोड़ा है, एक दिन भी हमने एनालिसिस नहीं किया, ऐसा नहीं किया, हम हर दिन एनालिसिस कर रहे हैं।
हर बार एनालिसिस करें, किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, हम एनालिसिस तो आपके लिए मैं जरूर जरूर करता हूँ ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे, आपको उसको समझने का मौका मिले। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट नॉर्मली अगर यहाँ पर होता है नीचे आएगा, फिर टाइम पास करेगा और 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही मोमेंटम करेगा। अगर कल गलती से मार्केट पहली बार में यहाँ तक नीचे चला आता है तो यहाँ पर जाकर सेल करने की कोशिश मत करना। मार्केट पहले यहाँ पर थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, हाईली पॉसिबिलिटी यही पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर और फिर नीचे आ सकता है, तो पहले वेट कीजिए 1-2 घंटे यहाँ पर, इसको रुकने दीजिए, फिर जाकर मोमेंटम कर सकते हैं, इट इज हाईली पॉसिबिलिटी। तो उससे सारी चीजों का प्लान करना पड़ेगा, उस चीज को सब कुछ देखना पड़ेगा, फिर जाकर डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन मोमेंटम कर सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर सोचो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा ना, तो पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल ज्यादातर केसेस में नीचे मतलब ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा, उसके लिए कोई होप नहीं बचने वाला अगर ऐसा कुछ ओपन हो जाता है। तो अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन पे गलती से भी मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के पास बचने के लिए अभी कोई जगह ज्यादा बची नहीं होगी। मार्केट सीधे और भी ज्यादा नीचे सेलिंग करने के लिए मौका पूछ सकता है, और भी ज्यादा सेलिंग मार्केट कर सकता है, इट इज हाईली पॉसिबिलिटी जिस तरीके से चार्ट पे दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट ने जितना ज्यादा कोशिश करना था, जितना ज्यादा पॉसिबिलिटीज था, वो सारा मार्केट पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। तो देखते हैं कि इस तरीके से क्या करता है। अगर मार्केट कहीं पर भी ओपन हो 44,500 के आसपास आसपास ओपन हो, तो अगर मार्केट 500 से भी मार्केट बस 5 मिनट भी अगर नीचे साइड में सस्टेन कर जाता है ना, तो हमें और भी ज्यादा इसमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, इट इज हाईली पॉसिबिलिटी ऐसा ही मार्केट देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या हो जाएगा, जितना भी मार्केट ने कोशिश करना चाहिए था, मार्केट बहुत कोशिश कर चुका है, यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पर कोशिश किया, यहाँ पर कोशिश किया, लेकिन फिर यहाँ पर भी सीधे ओपन हो जाता है, तो 43,500 वाले जो सारे कॉल राइटर्स यहाँ पर पुट राइटर्स सारे बैठे होंगे, वो सारे कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे, और वो ट्रैप की वजह से मार्केट यहाँ पर ज्यादा मोमेंटम रुक नहीं पाएगा, और उसी फ्लो के साथ ये नीचे चला जा सकता है कंटिन्यूशन में। तो ये चीजों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी थी कि मैं अब जाकर कहीं पर भी यहाँ पर जिस तरीके से प्लान बनाया था कि मार्केट ऊपर आ सकता है, उस तरीके से मैं प्लान नहीं बनाने वाला। इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट और भी ज्यादा सेलिंग में कंटिन्यूशन में जा सकता है। देखते हैं, मुझे पता है कहीं आपको बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, बस इस वीडियो पे प्यार दिखाओ यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बाहर बैठे बैठे आपको वीडियो शूट करके दे रहा हूँ, बस आप सबको प्यार दिखाओ, क्योंकि बस सपोर्ट दिखाओ आप सब लोग अच्छे से, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ, मैंने एक दिन भी आपको एनालिसिस नहीं देना छोड़ा है। मैं भले ही पिछले 12 दिन से बाहर घूम रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन भी आपको नहीं रोका है, हर समय आपको दे रहा हूँ, प्लीज उसका थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। ओके, चलो इतना तो हमने देख लिया। अगर निफ्टी को देख लेते कि निफ्टी क्या कर सकते हैं, निफ्टी के लिए थोड़ा सा अभी भी होप से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अभी भी निफ्टी के पास मेरे पास थोड़े छोटे होप बचे, नियर अबाउट 19,400, 450, 500, ये सारे पास अभी मेरे पास निफ्टी के होप है। जिस दिन भी निफ्टी है 19,500 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, उसके नीचे सस्टेन करने लगेगा, तो फिर उसके बाद हम बहुत इजीली हो जाएगा हमारे लिए कि मार्केट इसके बाद बहुत इजीली नीचे जा सकता है। होप आप पूरी तरीके से प्लान को समझ चुके होंगे, किस तरीके से हम प्लान बना रहे हैं, किस तरीके की चीजें कर रहे हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।